नमस्कार, मैं ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, प्राचार्य मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, हाजीपुर बिहार, NIUS के DL.ED कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पाठ्यक्रम 503 के ब्लॉक 1 इकाई 1 में प्रदत्त विषय भाषा प्रवीणता पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हिंदी के प्रसिद्ध व्यक्तित्व प्रोफेसर निरंजन सहाय, जो हिंदी विभाग काशी विद्यापीठ वाराणसी में कार्यरत हैं, आज हमारे साथ हैं। निरंजन जी ने देश के कई राज्यों में DL.ED संबद्ध पाठ्यक्रम और स्वाध्याय सामग्री के विकास में महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों का निर्वहन किया है। आज ये भाषा प्रवीणता विषय पर हम लोगों को भी प्रवीण करेंगे, इसी उम्मीद और अपेक्षा के साथ डॉक्टर निरंजन सहाय जी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आज का जो विषय है उसमें भाषा, और जिसको हम लोग कहते हैं भाषा पर अपनी पकड़ मजबूत करना, या इस तरह से भाषा को सीख लेना, जान लेना कि आप उसे अच्छी तरह से उपयोग में ला सकें, उसे बरत सकें, मुख्य रूप से आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि भाषाई प्रवीणता, औपचारिक स्वाभाविक भाषाई प्रवीणता और भाषाई कौशल, इन बिंदुओं पर मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे डॉक्टर निरंजन सहाय जी के साथ। एक बार फिर से इनका स्वागत करते हुए मैं आग्रह करता हूं कि निरंजन जी, इस विषय की शुरुआत भाषा में प्रवीणता का क्या आशय है इसके साथ करने की कृपा करें। भाषा में प्रवीणता। जी धन्यवाद। भाषा में प्रवीणता, इस पर बातचीत जब हम करते हैं तब इसमें दो पद हैं, भाषा और प्रवीणता, यानी भाषा में माहिर होना, भाषा में दक्ष होना। जब हम भाषा को एक ऐसा औजार कहते हैं जिसका उपयोग ज़िंदगी को समझने, उससे जुड़ने और जीवन जगत को प्रकट करने के लिए करते हैं, तब सहज ही हमारा ध्यान भाषा में प्रवीणता की ओर जाता है। भाषा में प्रवीणता का संबंध उन कौशलों से जुड़ता है जिन्हें हम सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना कहते हैं, संक्षेप में जिसे हम लोग सुबोपल्ली के याद रखते जी, हैं। जी जी, लेकिन महज इतनी ही बात नहीं है, भाषा में प्रवीणता के दो अन्य पक्ष भी हैं। बच्चे बच्चियों के बारे में प्रायः हमारी यह धारणा होती है कि वे स्कूल आकर भाषा सीखते हैं, यह एक हद तक सही भी है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि 3 या 4 साल तक बच्चे बच्ची अपने परिवेश की भाषा को बरतना सीख चुके होते हैं। यह तो एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष यह है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी पूरी तरह भाषा में प्रवीण हो ही नहीं सकता। दरअसल कोई भी व्यक्ति अपने आसपास बोली जाने वाली भाषा, परिवार में बरती जाने वाली या फिर अपने समाज की भाषा सीखता रहता है। कई बार वह विदेशी भाषा सीख रहा होता है, अर्थात भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है वह लगातार चलती रहती जी है। जी जी, स्वाभाविक और औपचारिक भाषा का भी जिक्र बार बार हम लोग भाषा के क्रम में करते हैं, तो हमारे शिक्षार्थी यदि यह भी जान सकें कि स्वाभाविक और औपचारिक भाषा क्या है, क्या रिश्ता है इन दोनों में, जी तो जी, बड़ा अच्छा रहे। स्वाभाविक और औपचारिक भाषा, देखिए भाषा सीखने की दो मुख्य परिस्थितियां मानी जाती हैं। स्वाभाविक भाषा जिसे हम कहते हैं, उसे दूसरे शब्दों में अनौपचारिक भाषा भी कहते हैं, और एक दूसरी परिस्थिति है औपचारिक भाषा। स्वाभाविक से तात्पर्य उन परिस्थितियों से है जिसमें सामान्यतः बच्चे या बच्ची बिना किसी के सिखाए अपने आसपास की भाषाएं सीख लेती हैं। स्वाभाविक रूप से भाषा सीखने की प्रक्रिया में कोई माँ बाप या रिश्तेदार औपचारिक ढंग से बैठकर अपने बच्चे बच्चियों को भाषा नहीं सिखाते, और न ही उनके सीखने की प्रक्रिया के बारे में कोई विशेष चिंता करते हैं। यह प्रक्रिया घर के बाहर, पड़ोस और खेलकूद के स्थान पर भी स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। जैसे वह घर में अपने पिताजी से बात करता है, कोई बच्चे बच्ची अपनी माँ से बातचीत करता है, या फिर खेल के मैदान में अपने दोस्तों से बातचीत करता है, ये सारी परिस्थितियाँ अनौपचारिक होती है। स्वाभाविक रूप से वह भाषा को बरतना सीख रहा होता है, और जो उसकी अपनी मातृभाषा है उसमें विशेषणों को सीखता रहता है, क्रिया विशेषणों को सीखता रहता है, उसकी बहुत सारी विशेषताएं
वह सीखता रहता है। इस दौरान विभिन्न परिस्थितियों में उनके द्वारा भाषाई गलती भी कई बार होती है, लेकिन उस पर टोका टोकी नहीं होती, हंसा नहीं जाता उस पर, बल्कि उसे प्यार से साझा किया जाता है। बच्चे बच्ची सहज भाव से भाषा सीख लेते हैं, वह भाषा जो उसके आसपास परिवेश में मौजूद है। औपचारिक परिस्थितियों में कक्षा आदि का माहौल रहता है, शिक्षक होते हैं, किताबें होती हैं और भाषा सिखाने के अन्य अनेक साधन जुटाए जाते हैं। इन साधनों में ज़रूरत के मुताबिक आधुनिक युग में रेडियो का व्यवहार किया जाता है, सीडी प्लेयर का उपयोग किया जाता है, जैसे अभी हम लोग जिस विधा में अपनी बात कह रहे हैं, इस तरह की चीज़ें भी भाषा सिखाने में प्रयोग में लाई जाती है। आजकल विश्वविद्यालयों में और विद्यालयों में लैंग्वेज लैब की भी व्यवस्था होती है, भाषा प्रयोग तो प्रशिक्षण संस्थानों में अनिवार्य है एक तरह से। जी जी, भाषा प्रयोगशाला जो है वो प्रशिक्षण संस्थानों में, तो इन साधनों का इस्तेमाल किया जाता है औपचारिक भाषा सीखने के लिए। यहाँ यह ध्यान देने लायक है कि इतने प्रयासों के बावजूद बच्चे बच्ची औपचारिक माध्यमों से उतनी तेजी और प्रवीणता से भाषा नहीं सीख पाते जितनी प्रवीणता से अनौपचारिक स्थितियों में सीखते हैं। इसका कारण यह होगा कि जो अनौपचारिक भाषाएं होती हैं वे संदर्भ के अनुसार हमारे जहन में उतरती जाती हैं, और औपचारिक भाषा में संदर्भ या तो होते नहीं या होते भी हैं तो उसमें उस तरह की जीवंतता नहीं होती है जिस तरह की जीवन जीते समय जो जीवंत स्थितियों का सामना करते हुए हम लोग भाषा सीखते हैं। सही बात है। जी जी, लेकिन यह रोचक सच्चाई है कि यदि 5-6 साल की उम्र तक किसी ऐसे भाषाई माहौल में किसी बच्चे या बच्ची को ले जाया जाए जब वे जिस भाषा को वे नहीं जानते हैं तो वे दूसरी या तीसरी भाषा बहुत आराम से सीख लेते हैं। इस तरह से समझिए, मान लीजिए कि बिहार के भोजपुरी इलाके का कोई बच्चा या बच्ची है और उसे आप केरल ले जाते हैं 3-4-5 साल की उम्र में, तो वो बहुत आसानी से अपने घर की भाषा के साथ ही, उसकी जो अपनी स्कूल की भाषा थी हिंदी उसके साथ ही जब केरल में पहुंच जाता है तो वहाँ की भाषा यानी मलयालम वह सीख जाता है। तो कुल मिलाकर जो ये माहौल जिसे हम कहते हैं, जिसे भाषाई माहौल कहते हैं, जी जी, उसमें भाषाओं को सीखना बहुत आसान होता है। इसी बातचीत के क्रम में भाषा के औपचारिक और अनौपचारिक प्रयोग की तरफ भी हम लोग थोड़ी और समझ बना लें। जी जी, हमारे प्रतिदिन के जीवन में अनेक स्थितियाँ परिस्थितियाँ में होती हैं ऐसी जिनमें भाषा का व्यवहार किया जाता है। कुछ संभावित स्थितियाँ देखी जा सकती हैं, परिवार के सदस्यों की आपसी बातचीत, खेल के मैदान की बातचीत, संसद में होने वाली बहसों की भाषा या चाय की गुमटी पर होने वाली बातचीत, कार्यस्थल पर अधिकारी से की जाने वाली बातचीत या किसी साहित्यिक रचना में व्यवहृत होने वाली भाषा आदि। आप देखेंगे कि इन स्थितियों में कहीं औपचारिक तो कहीं अनौपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। इन सभी स्थितियों में जो भाषा का उपयोग होता है वह क्या एक सा है? आप ध्यान से देखिए, क्या उनका स्वरूप एक जैसा है? किसी अवसर पर भाषा में व्याकरणिक अथवा संरचना संबंधी सावधानी बरती जा रही है तो कहीं व्याकरणिक नियमों में शिथिलता बरती जा रही है। व्याकरणिक नियमों में शिथिलता आमतौर पर जब हम अपने आत्मीय लोगों से मिलते हैं तब इस बात की गुंजाइश बनती है कि हम व्याकरणिक नियमों में शिथिलता बरत सकते हैं अपनी आत्मीयता को साझा करने में। भाषा का उपयोग साहित्य रचना में भी अलग अलग परिस्थितियों को उत्पन्न करने के लिए संदर्भ स्थिति जैसी होती है उस तरह की भाषा की आवश्यकता के अनुसार प्रयोग किया जाता है। यही भाषा के औपचारिक और अनौपचारिक रूप हैं। औपचारिक भाषा के कुछ अन्य संदर्भ भी हैं जिन पर हमारी समझ होनी चाहिए। औपचारिक रूप में भाषा का दोनों रूपों में उपयोग किया जाता है, मौखिक रूप में भी, लिखित रूप में भी। साहित्य लेखन में भाषा का औपचारिक उपयोग होता है, वहाँ लेखन में क्रमबद्धता होती है, श्रृंखलाबद्धता होती है। निबंध रचना में अथवा सरकारी पत्रों की भाषा में औपचारिकता रहती है। उसका एक, आपने देखा होगा कि उसका एक पैटर्न होता है कि जैसे विद्यालय में कोई बच्चा या बच्ची पढ़ता है तो आवेदन पत्र लिखता है तो उसका एक एक खाका बना हुआ है, उसी जी, खाके में उसको जी, उसको उसकी एक औपचारिक बात रखनी है। जी जी, औपचारिक रूप उसका निर्धारित है जी। उसमें केवल यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन बातों की मांग कर रहे हैं या किन परिस्थितियों के तहत आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं, उसमें यह महत्वपूर्ण भी होता है कि उसका क्या रूप हो। जी जी, उसी तरह निविदा है या जो सरकारी आदेश निकलते हैं, कार्यालय आदेश, आजकल उस पर भी पूरी की पूरी पढ़ाई उपलब्ध है
कि किस तरह से इस अच्छा। तरह के औपचारिक लेखन को समझा जाए जी। इसे हम कई राज्यों में उसके अलग अलग नाम है, कहीं उसे व्यापारिक हिंदी कहते हैं, कहीं कामकाजी हिंदी कहते हैं, कहीं प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। तो उसमें हम भाषा के उसी औपचारिक प्रयोग को सीखते हैं जिसे सरकारी कार्यालयों में या शासन की भाषा में की जाती है, या कार्यालय उपयोग जिसका जी, हो जी, किसी जी, जी। तो ये पत्र कार्यालय में, विभाग या मंत्रालय में, दूसरे कार्यालयों को जब पत्र लिखे जाते हैं या मंत्रालयों को लिखे जाते हैं तब उनका उपयोग किया जाता है जी। अब ये एक और महत्वपूर्ण सवाल है इस पर बातचीत करते हुए कि भाषा में प्रवीणता और भाषाई कौशलों का क्या रिश्ता है जी। जी इसे हम किस तरह से समझें, क्योंकि कई बार होता यह है कि भाषा में प्रवीणता और भाषाई कौशल, इन दोनों के रिश्ते को ठीक ठीक ढंग से समझ नहीं पाते। तो ऐसा कोई रिश्ता इनके बीच में है, या दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, या दोनों भिन्न हैं, इसकी समझ थोड़ी बना लेनी चाहिए। क्योंकि प्रवीण होने का मतलब क्या है और कौशल से आशय हमारा क्या है जी। जी जहाँ तक भाषा में प्रवीणता का सवाल है, हम लोग प्रवीणता का मूल्यांकन अधिकतर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि के टुकड़ों में करते आए हैं, जबकि हम भली भांति जानते हैं कि भाषा का उपयोग टुकड़ों में नहीं बल्कि इन कौशलों की समग्रता में होता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि आप किसी डॉक्टर को किसी दवा के नाम को जानने के लिए फ़ोन करते हैं जी। जी उस दवा को किसी कागज पर दर्ज करते हुए बात भी हो रही है, सुना भी जा रहा है, बिल्कुल स्पष्टता से समझने के लिए बोला भी जा रहा है, लिखा भी जा रहा है और पढ़ा भी जा रहा है, यानी चारों कौशलों का एक साथ प्रयोग हो रहा है। इसलिए भाषा में प्रवीणता के आकलन एवं मूल्यांकन करते समय इन कौशलों को समग्र रूप में समझना चाहिए। और उसी तरह भाषा में प्रवीणता का एक पहलू और भी है। अधिकांश लोग भाषा को अभिव्यक्ति का माध्यम भर मानते हैं, पर भाषा को शब्द भंडार और नियमों के मिश्रण के रूप में देखा जाता है जो ध्वनि, शब्द तथा वाक्यों के स्तर पर खास ढंग से नियंत्रित होती है। एक हद तक यह सच भी है, लेकिन यह तस्वीर का एक ही पहलू है। दरअसल भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, यह सिर्फ संप्रेषण का ही काम नहीं करती है, बल्कि यह तो पूरी दुनिया को सोचने समझने का माध्यम है। यह मानवीय व्यवहार का अटूट हिस्सा है। एक सूक्ष्म लेकिन मजबूत ताकत की तरह भाषा संसार के प्रत्येक इंसान के दृष्टिकोण, उसकी रुचियों, क्षमताओं, यहाँ तक कि मूल्यों एवं मनोवृत्तियों को आकार देती है। ये सारा काम चूंकि भाषा में ही होना है, इसलिए वह आकार देने का काम करती है। अपने दिन भर की तमाम गतिविधियों को अंजाम तक पहुँचाने के लिए हम सोचते, महसूस करते हैं, तर्क देते हैं, विश्लेषण करते हैं और चीज़ों से जुड़ते हैं। हम ये सभी काम किस में करते हैं? भाषा में करते हैं। अन्य शब्दों में भाषा सिर्फ कहने और सुनने का ही नहीं, बल्कि ध्यान दीजिए, सोचने, समझने, अवलोकन करने, विश्लेषण और तर्क करने और जीवन को प्रस्तुत करने की भूमिका भी निभाती है। कहना न होगा, ये सभी पहलू भाषा में प्रवीणता की परिधि में शामिल है। अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का जो क्षितिज है वो काफ़ी विस्तृत है जी। प्रवीणता के पहलू में यह शामिल है कि हमको सिर्फ कहना सुनना ही नहीं आना चाहिए, हमें सोचने और समझने की ताकत से लैस भी होना चाहिए। इसीलिए देखिए, जब हम अखबार पढ़ते हैं या पत्रिका पढ़ते हैं, अपने परिवेश में या विद्यार्थियों से जब उसे पढ़ने के लिए आग्रह करते हैं, तब हमारा बल होता है कि आप संपादकीय ज़रूर पढ़िए। यह बात इसलिए कही जाती है कि उसमें सोचने का, तर्क करने का एक मादा विकसित हो, वह यह सीखे कि किस तरह से सोचा समझा जाता है, किस तरह से अवलोकन किया जाता है। एक ही चीज़ को, एक ही खबर को हम कहते हैं कि दो अखबारों में देखिए, तीन अखबारों में देखिए, या एक ही खबर को हम कहते हैं कि अलग अलग न्यूज़ चैनलों में सुनिए, क्योंकि यह जो अवलोकन करना है उसमें विभिन्नताएँ होती हैं। उसी तरह विश्लेषण हम सीखते हैं, तर्क करते हैं, जीवन को प्रस्तुत करने की के तरीके सीखते हैं। तर्क करने में भाषा की क्या भूमिका है? जब हम तर्क करते होते हैं जी, तो भाषा में प्रवीणता किस तरह से मदद करती है? जब हम तर्क करते होते हैं, तर्क गढ़ते हैं तो जी, जब हम तर्क करते हैं तो उस विषय पर हमारी समग्र समझ क्या है, उसको प्रस्तुत करने लायक हमारी भाषा में कौशल है या नहीं है, इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ता है। एक बात, दूसरी बात, हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम तर्क करते समय
जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें किस तत्व की अधिकता है, यानी कहीं हम आक्रामक तो नहीं हो रहे हैं, हमारी भाषा में संवाद धर्मिता की कितनी उपस्थिति है। इसलिए हम प्रायः उस भाषा को बेहतरीन भाषा कहते हैं जिसमें संवाद की ललक होती है, जो आपसे बतियाती है। और तर्क भी बातचीत का ही एक मंच है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। तर्क करना मतलब किसी को पराजित करना उसका उद्देश्य नहीं होता, बल्कि तर्क के माध्यम से हम बहुत सारे विचार और भावनाओं के अनंत विस्तार की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। बहुत सी ऐसी बातों को समझते हैं जो हमारी पहले नासमझी के विषय रहे हैं। जी जी, उनको हम समझने की कोशिश भी करते हैं। जी, और जी। तर्क के सहारे किसी बात को रखना और किसी बात को समझना आसान भी होता है। जी, यदि आप तर्क सहित कोई बात कहें तो सामने वाले को भी, जिस तक आपको अपनी बात पहुंचानी है, उसको भी सुविधा होती है आपकी बात को जानने और समझने में। मुझे लगता है कि भाषा में प्रवीण होना या दक्ष होना इस बात का भी प्रतीक होगा कि आप किस तरह की भाषा का उपयोग आप इन तर्कों को गढ़ने में करते हैं जो ज़्यादा प्रभावकारी रूप से। जी, यदि हम तर्क करना, विश्लेषण करना, चिंतन करना, भाषा प्रवीणता में इन सब मुद्दों को शामिल नहीं करते हैं, तब यह खतरा होता है कि हम वही लिखते हैं, वही बोलते हैं, वही पढ़ते हैं जो पहले कहा जा चुका है, जो पहले लिखा जा चुका है, यानी ढाक के तीन पात। यदि कोई बात पहले कही जा चुकी है, यदि कोई तर्क पहले दिया जा चुका है, तब उसे फिर से कहने की क्या ज़रूरत है। यदि हम विश्लेषण करने, तर्क करने और उन सभी पहलुओं से परिचित होते हैं, तब होता क्या है कि यह जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है, उससे आगे कोई बच्चा या बच्ची भाषा कौशल में पारंगत होते हुए भाषा में इस कदर प्रवीण हो जाता है कि वह स्वाधीन लेखन की ओर प्रवृत्त होता है। दुनिया के जितने बड़े लेखक हैं, रचनाकार हैं, उनके स्वाधीन लेखक या स्वाधीन चिंतन वाले लेखक बनने की प्रक्रिया यही होती है। जिन कविताओं को हम पढ़ते हैं, जिन कहानियों को पढ़ते हैं या जिन लेखों को पढ़ते हैं, उन सब में यह बात शामिल होती है कि उनमें तर्क और विश्लेषण करने की क्षमता होने के कारण ही, अपने समय की गुत्थियों को, उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने की क्षमता के कारण ही वे एक स्वाधीन लेखन में रूपांतरित हो जाते हैं। सही बात। और किसी समाज की संरचना में वह स्वाधीन लेखन उस समाज को बहुत आगे ले जाने वाला कारक साबित होता है। जिस समाज में स्वाधीन लेखन की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, उस समाज के मरने का खतरा पैदा हो जाता है। यह भी भाषा प्रवीणता का हिस्सा है। वाह, बहुत बढ़िया निरंजन जी। भाषा में प्रवीणता और भाषाई कौशलों की जब हम बात करते हैं, तो कई बार समझ के आधार पर यह होता है कि हम प्रवीणता और कौशल को या तो एक दूसरे का पर्याय मानते हैं और नहीं तो एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध खड़ी दो अवधारणाओं के रूप में देखते हैं। जबकि समझ यह है कि भाषाई कौशलों का नज़दीकी रिश्ता भाषा की प्रवीणता के साथ निश्चित तौर पर है, लेकिन इन दोनों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी है। यदि आप कौशलों का विकास नहीं करते, यदि भाषाई कौशलें विकसित नहीं होती आपकी, तो भाषा में प्रवीणता आना संभव नहीं है। जी, लेकिन सिर्फ इतने ही भर से क्या हम मान लें कि आप भाषा में प्रवीण हो गए क्योंकि आपको ये चार कौशल आ गए, या इसके अतिरिक्त कुछ विधाएं हैं जिनका रिश्ता किसी भी भाषा के साहित्य से होता है, उन विधाओं के बारे में जानना, अपने आप को व्यक्त करना, संवाद में दक्ष होना, या और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्या जो स्पष्ट कर सकें कि हम भाषा में प्रवीणता से क्या समझते हैं। अभी तक तो आपने जो भी बताया उसमें स्वाभाविक और औपचारिक और अनौपचारिक भाषा के सहारे हमने इसको समझने की कोशिश की, लेकिन यह जो द्वंद्व है भाषाई कौशलों का और प्रवीणता का, इस द्वंद्व से निकलने में भी आप हमारी मदद करें तो बड़ी कृपा होगी। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की ओर हमारा ध्यान ले जा रहे हैं आप। असल में यह जो कौशल हैं जिन्हें सुअपल्ली आपने जिक्र भी किया, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना हम कहते हैं जी, इन कौशलों में माहिर होना तो ज़रूरी है, और इन कौशलों का जो समग्र रूप है जी, उसी से भाषा में प्रवीणता का लक्ष्य हासिल किया जाता जी, है जी, जी। लेकिन क्या सुनने में हम दक्ष हो जाएं, या बोलने में दक्ष हो जाएं, या पढ़ने में दक्ष हो जाएं, लिखने में दक्ष हो जाएं, तो क्या भाषा की जितनी संभावनाएं हो सकती हैं उसमें हम पारंगत हो सकते हैं? यह सवाल महत्वपूर्ण है जी। जैसे जब हम सुनते हैं तो क्या सुनते हैं, क्या हर चीज़ सुनते हैं? हमारे आसपास इतने तरह की ध्वनियाँ हैं,
बहुत सारी ध्वनियाँ हम अनसुना छोड़ देते हैं, उसमें जो हमारे काम की चीज़ होती है हम सुनते हैं उसे। संगीतकार के लिए सुनना का अलग अर्थ होता है, किसी सब्जी विक्रेता के लिए सुनने का अलग मतलब होता है, कंडक्टर के बोलने के बाद जो यात्री बैठा है उसके लिए सुनने का अलग मतलब होता है। यानी सुनने के बहुत सारे संदर्भ हो सकते हैं, उसी तरह बोलने के भी संदर्भों की बातचीत की जाती है, सुनना बोलना और पढ़ना जिसे हम कहते हैं, उस हम लोग विस्तार से आगे के विषय में बातचीत करेंगे इस पर। लेकिन फिलहाल प्रवीणता और कौशल के रिश्ते पर हम बात करें तो जिसे पढ़ना हम कहते हैं, तो उसमें हम इस बात पर खास तौर पर ध्यान रखें कि पढ़ना का मतलब होता है समझ कर पढ़ना, ये नहीं कि आपने उसको केवल वर्तनी का उच्चारण कर दिया। उच्चारण करना या उच्चारण को सही ढंग से उच्चरित कर देना पढ़ना नहीं, उसको समझ कर पढ़ना होता है। उसके बाद जो लिखने का पढ़ना है समझना, जी जी पढ़ना समझ पढ़ना है समझना, जी जी जी, और उसके बाद जो लिखना है, तो अब लिखने में बात जो होती है इस पे चर्चा की जाती है कि भाई लिखने में किन कौशलों को जानना ज़रूरी है। तो इसमें सुनना बोलना पढ़ना लिखना जो कौशल है उससे आगे की बात होती है, उसकी बात जिसे हम लोग समझने की कोशिश करें कि जैसे कविता में लिखना क्या होता है, निबंध में लिखना क्या होता है, या कहानी में लिखने का संदर्भ क्या है, या उपन्यास में लिखने का संदर्भ क्या है, जितनी साहित्यिक विधाएँ हैं उसमें लिखने के अलग अलग संदर्भ हैं। जैसे जो भाषा की तीन शक्तियां मानी जाती हैं, अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, जी, जी। कौशलों के लिए यह ज़रूरी है कि भाषा की अभिव्यक्ति की इन तीन शब्द शक्तियों से कोई भी व्यक्ति परिचित हो, तब जाकर उसे अभिधा यानी कोशगत अर्थ समझ में आना चाहिए, उसके पास लक्षणा की समझ होनी चाहिए यानी लक्ष्य कोशगत अर्थ के साथ जिसको लक्ष्यार्थ किया गया हो उसकी समझ होनी चाहिए, व्यंग्यार्थ होनी चाहिए यानी एक तीसरा अर्थ भी उसमें खुलना चाहिए। तो कविता जब हम लिखते हैं या कविता कहते हैं तो उसमें शब्द की जितनी संभावनाएं हो सकती हैं उन क्षितिजों को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसमें कई बार जीवन और जगत के व्याकरण की अवहेलना भी कर देते हैं क्योंकि हमें अभिप्रेत अर्थ तक पहुँचने की बात को समझना पड़ता है। अभिप्रेत अर्थ तक पहुँचने की बात से क्या अभिप्राय? अब इसे इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कि हमें सार्वजनिक जीवन और निजी जीवन के द्वंद को प्रकट करना है, जी जी जी, और हमें देखना है इस बात को कहने के लिए कौन सी परिस्थितियां या कौन सी शब्द संपदा या कौन से वाक्य महत्वपूर्ण होंगे। तो अब जैसे केदारनाथ सिंह की एक कविता है कि मुझे आदमी का सड़क पार करना हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि इससे एक उम्मीद बनती है कि दुनिया जो उस पार है इस पार से बेहतर होगी। तो इसमें आप देखें कि जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, अब इस पार की दुनिया से उस पार की दुनिया बेहतर होगी, दैनिक जीवन में ऐसी कोई मोटी बात नहीं दिखाई पड़ती है कि सड़क के दाईं तरफ और बाईं तरफ, लेकिन इसमें एक जो उम्मीद की ओर इशारा किया गया है वह कविता के शब्दों में या वाक्यों में निहित व्यंग्यार्थ के माध्यम से ही हम समझ पाते हैं। तो यह जो सुनना बोलना पढ़ना लिखना है इसको समग्र रूप से समझने के साथ ही उनके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है या रोज़मर्रा की जो हमारे सामने परिस्थितियां हैं उन संभावनाओं के बीच उनका विस्तार कैसे हो सकता है इस पर भी हमारी समझ साफ होनी चाहिए। तो हम ये मान लें क्या कि जो लोग कविताएं लिखने लगे वो प्रवीण हो गए भाषा में? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि लेखन की दुनिया में या जैसे वक्ताओं की दुनिया में या लेखन की दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीज़ें लिखी जा रही हैं तो बहुत सारी ख़राब चीज़ें भी लिखी जा रही हैं, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं तो बहुत ख़राब भी वक्ता हैं। मुद्दा यह है कि उसमें जीवन की समझ जो किसी लेखक या कवि के पास है उसमें जीवन की समझ का दायरा कितना बड़ा है, और जीवन की समझ का दायरा जब उसका बड़ा होगा तभी उसके लेखन में आँच होगी, तभी उसके लेखन में ऊर्जा होगी, जिसे सुनना बोलना पढ़ना लिखना के संदर्भ में बातचीत करते समय एक और चीज़ की तरफ हम बार बार ध्यान देते हैं, वह है कि भाई अब मान लीजिए कि स्कूली शिक्षा है या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की शिक्षा है, क्या उस शिक्षा को पूरी कर लेने के बाद कोई पारंगत हो जाएगा स्वाधीन रचना करने में? तब हम इस बात को देखते हैं कि ऐसा संभव नहीं है कि औपचारिक शिक्षा के बाद या बहुत सारे अनौपचारिक पहलुओं की जानकारी के बाद ही या कोश की जानकारी होने के बाद या व्याकरण की जानकारी होने के बाद कोई स्वाधीन लेखक में रूपांतरित हो जाए। स्वाधीन लेखन का जो दायरा होता है वह भाषा
की प्रवीणता के सबसे ऊंचे शिखर को स्पर्श करने का मसला होता है, और इसको समझने के लिए बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे तर्क, बहुत सारे विश्लेषण और बहुत सारे सपने देखने की जो आदिम ललक है आदमी की, उसको भी समझना पड़ता है। और जाहिर है ये सारी चीज़ें, हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब कुछ भाषा में ही संभव होता है। तो भाषा प्रवीणता के इन सभी पहलुओं को समझने के बाद एक स्वाधीन लेखन में रूपांतरित होने की संभावनाएं बनती हैं। जी जी, आपका बहुत बहुत आभार प्रोफेसर निरंजन सहाय जी। आपने विस्तार से हमें भाषा में प्रवीणता के कई पहलुओं से परिचित कराया, विशेष करके औपचारिक और अनौपचारिक भाषा तथा भाषाई कौशलों पर आपने जो प्रकाश डाला, उससे हमारे प्रशिक्षुओं को, हमारे शिक्षार्थियों को अवश्य लाभ होगा। इसी उम्मीद और भरोसे के साथ आपका बहुत बहुत आभार और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।